हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चेक कर लें। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको अगर CITS का एडमिशन आपको लेना है तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से रेडी कर लेनी है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास एक लेटर है 2018 जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप DGT NSTI चेन्नई के द्वारा ये जारी किया गया था। सभी जो भी NSTI गवर्नमेंट हैं चाहे प्राइवेट, आपको सेम डॉक्यूमेंट लगेंगे। सभी DGT के अंडर में ही काम करती हैं तो आपको सेम डॉक्यूमेंट लगेगा। ऐसा नहीं कि चेन्नई में अलग डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आपको कानपुर पे अलग, कोलकाता पे अलग, तो सेम डॉक्यूमेंट रहेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ये आप लोग देख सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट अपियरिंग फॉर फर्स्ट काउंसलिंग फॉर्म जो भी यहाँ पे हो रहा था 2018 के समय में, तो ये डॉक्यूमेंट आपको रखनी है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आपका SSLC, यानी कि आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है, यानी कि मार्कशीट, 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वो सर्टिफिकेट और मार्क्स मेंशन हो वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए होंगे। आप चाहे ITI से आप आवेदन दिए थे या डिप्लोमा के बाद या बीटेक के बाद, सबको आपको 10th का सर्टिफिकेट मिनिमम यहाँ पे चाहिए। उसके बाद क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में आपको ITI वालों के लिए NTC यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, और जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं यानी कि SBT, जिनका NCVT नहीं है, SBT बोर्ड के तहत आपने ITI किया है तो उनको नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के द्वारा भी उनका एडमिशन हो जाएगा। और यदि आप डिप्लोमा है तो डिप्लोमा का पासिंग सर्टिफिकेट, BTech या BE का आपका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और थर्ड नंबर पे आपका प्रूफ ऑफ डेथ ऑफ बर्थ, जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करता है, वैसा कुछ सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे आपका चौथे नंबर पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट, आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना होगा एडमिशन के समय। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बहुत से राज्यों में NSTI कॉलेज या आपका ATI CTI कॉलेज नहीं है, तो वे अगर दूसरे स्टेट में जाते हैं एडमिशन के लिए तो उनको सेंट्रल लेवल का यानी कि SDO या DC के द्वारा जो अप्रूव होती है वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे प्रूव करना होगा। जो स्टेट लेवल का डॉक्यूमेंट होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो अगर आप अलग स्टेट में जाते हैं तो वो आपको मान्य नहीं होगा। अगर आप अपने राज्य के अंदर में ही एडमिशन लेते हैं तो आपका स्टेट वाले सर्टिफिकेट से ही काम हो जाएगा। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान दे लें, अपना सर्टिफिकेट आप चेक कर लें। फिफ्थ नंबर पर है प्रूफ ऑफ डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर फिजिकल हैंडीकेप्ड, अगर कोई कैंडिडेट दिव्यांग है तो उनको दिव्यांग सर्टिफिकेट प्रूफ देना होगा। सिक्स नंबर पे आधार कार्ड मैंडेटरी है, सबके पास होता है। सेवन नंबर फोटो आईडी कार्ड, कोई भी आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी आपका यहाँ पे फोटो आईडी कार्ड आपको एक चाहिए होगा। एट नंबर पे एडमिट कार्ड विथ फोटो आईडी, एंट्रेंस एग्जाम जो आपने दिए थे CITS के लिए वो आपका एडमिट कार्ड चाहिए होगा और उसके साथ में फोटो आईडी होना चाहिए। और नाइन्थ नंबर पे फोटो आपका होना चाहिए, 6 कॉपी पासपोर्ट साइज का और 2 कॉपीज स्टाम्प साइज का। स्टाम्प साइज का थोड़े से छोटे साइज का आता है, आप स्टूडियो में बोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। और 10 नंबर पे फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर्म रजिस्टर्ड मेडिकल, आपका जो डॉक्टर है उससे आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको आप बनवा के ले जा सकते हैं। उसका फॉर्मेट आपको कुछ दिनों में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। मैंने भी 2017-18 में एडमिशन लिया था, लेकिन जो मेडिकल सर्टिफिकेट मैं बाहर से लेके गया था बनवा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वो वैध नहीं माना गया था। वहाँ पर ही जो डॉक्टर से उनके द्वारा चेकअप करा के बनाया गया था। तो अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग रूल हो सकते हैं, लेकिन आप खुद से बनवा कर ले जाएं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है। अब बात करते हैं कि आपका जो काउंसलिंग एडमिशन के समय
आपको कितने फी आपको देने होंगे, तो एडमिशन के समय आपको मिनिमम, आप कम से कम जो ST SC हैं उनको 2500 से लेकर 3500, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए इतने ही आपको एक साल का कोर्स, सारा कोर्स आपको लगने वाले हैं एडमिशन के समय। तो इतना फी आप पकड़ के जाएं, हो सके तो कुछ एक्स्ट्रा भी पकड़ लें। तो इस तरह से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं इनका आप फोटोकॉपी का एक सेट बना के रखें, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी साथ में लेकर जाएं, क्योंकि जब एडमिशन होगा तो आपका सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा ओरिजिनल के साथ में, तो ओरिजिनल नहीं होगा तो आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेके जाएं और उसका एक सेट जेरोक्स कॉपी भी आप बना के रखें। तो ये था जरूरी डॉक्यूमेंट। जितने भी दिए गए डॉक्यूमेंट हैं आप अच्छे से चेक करके, मिलान करके, सेट करके आप तैयार रखें। तो और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल में बने रहें। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियोस में।